राहुल, हाउ आर यू, कैसे हो? सो आई थिंक आप सही होंगे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक सीरीज देख रहे थे एनटीएसी से रिलेटेड, जिसमें मैं अभी तक 2 और 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। बेसिकली हम लोग किए थे क्या, एनटीएसी के बारे में हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट देखे कि एनटीएसी क्या है, कौन कंडक्ट कराती है, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारे हम लोग देखे। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर्स में मैंने जो लास्ट किया था वो था एनटीएससी स्टेज 1, जो कि मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके जितने भी सिलेबस थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही मेनली पोर्शंस होता था, रीजनिंग का पोर्शंस होता था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वो था एनटीएससी स्टेज 1, जिसमें जितने भी सिलेबस थे वो तो आपने देखा था। आज की जर्नी यहां पे एनटीएससी स्टेज 2 से स्टार्ट होती है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जब मैं एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाऊंगा, मेरे साथ साथ आप भी, अगर आप एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद क्राइटेरिया क्या होगी, आखिर एनटीएससी स्टेज 2 में क्या वैसे होंगे जो आपको प्रिपरेशंस करने होंगे। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देख रहे हैं, ये सब तो देख चुके थे। स्टेज 2 जो होता है वो क्या कहलाता है, सैट, सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट जो था स्टेज 1 वो मैट था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेकंड वन जो अभी हम लोग देखेंगे वो है सैट, सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। आखिर ये क्या था, ये भी 100 मार्क्स का था, इसकी भी टाइमिंग 2 आवर्स की थी, ठीक है। तो इसमें आखिर क्या वैसे सब्जेक्ट्स, क्या वैसे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, हमें वन बाय वन करके मैं बिल्कुल सब कुछ आपको बताता हूँ। जैसे देखो आप यहाँ पे, ये जो कंडीशंस था आप बिल्कुल देख रहे हो यहाँ पे कि 2022 एग्जाम पैटर्न्स में फर्स्ट जो था वो मैट था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स की एग्जाम थी। जो आपकी पेपर 2 है सेट सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ये 100 क्वेश्चंस तो होंगे, बट यहां पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट ज्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टेज में ही मेंटली आपको देख लिया जाएगा कि आपकी आईक्यू लेवल कितनी है। यहां पे थोड़े से अच्छे खासे वर्क करने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चंस तो होगा, बट वो देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस पोर्शन से होंगे, 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी सोशल साइंस से होंगे, एंड मैथमेटिक्स से ओनली 20 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि अगर आपको एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई करने हैं तो आपको बेसिकली साइंस एंड सोशल साइंस पे अच्छे खासे ध्यान देने होंगे, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, वही 120 मिनट्स की जो जर्नी थी, यहां भी 120 मिनट्स होंगे। बेसिकली ये तो था ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जस्ट सेकंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेट था। द पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो था ही। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड थ्रू द ऑफलाइन मोड ओनली, हाँ ऑफलाइन मोड ही था यहाँ पे। स्टेज 1 में क्या था, एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। स्टेज 1 में मैंने बताया था नो नेगेटिव मार्किंग, बट स्टेज 2 भी जब होगी वहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी आपकी यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मैट का सिलेबस देखा था, वर्बल रीजनिंग देखा था, नॉन वर्बल रीजनिंग देखा था। वर्बल रीजनिंग के बारे में सब कुछ हम लोग ये एज इट इज देख लिए थे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, प्रॉब्लम्स, क्लॉक, सीरीज, अरिथमेटिक रीजनिंग, मिसिंग कैरेक्टर, पजल टेस्ट, लॉजिकल सिक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये सारे कंडीशन देखा था। इसी का पार्ट 2 जो था वो नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन सीरीज थे, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग एनालिटिकली वे में किस तरह से पूछा जाता है वो सारे होते हैं, इनकम्प्लीट फिगर्स थे आपके पास, क्यूब डाइस एनालॉजी, ये सारे थे। लेकिन बात यह है कि आप जब एनटीएसए स्टेज 1 क्रैक करोगे, उसके बाद जब स्टेज 2 की जर्नी होगी उसका क्या सिलेबस है, सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा फर्स्ट, हम लोग जो 40 क्वेश्चंस हैं साइंस से, उन साइंस का यहाँ पे देखो एनटीएसी सेट साइंस क्वेश्चन, साइंस सिलेबस है जिसमें आपको फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे एंड बायोलॉजी होंगे। आपकी कितनी क्वेश्चंस होंगी गाइस, 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। यहां पे जो आपको रहेंगे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 एंड मार्क्स भी कितने होंगे, 40 मार्क्स, है ना। अच्छा एक मिनट, मार्क्स का भी छोड़ दो आप, मार्क्स का भी आप छोड़ दो, क्योंकि मार्क्स
आई थिंक थोड़े से डिफर करते हैं, तो मार्क्स को भी हटा दो, क्वेश्चंस पे सिर्फ देखते हैं कि 40 क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो बिल्कुल यहां से आएंगे। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद देखो सेकंड, लाइफ प्रोसेसेस, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क लाइट, ये देखोगे। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से देखो। फोर्थ वन आपकी क्या है, ऑर्गेनिज्म, इस पे भी अच्छे से वर्क करने हैं। नेक्स्ट आपकी है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये भी अच्छे से ध्यान देने होंगे। मिजरमेंट, फिजिक्स का मिजरमेंट है। मोशन एंड फोर्स पे भी प्रैक्टिस करने हैं आपको। सम कॉमन डिजीज सॉयल, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ने हैं आपको, और मेटल एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, आप इतने को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लिख सकते हो। एसिड बेस चार्ट, लाइफ प्रोसेस, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनिज्म, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मेजरमेंट, मोशन फोर्स, सम कॉमन ऑफ डिजीज सॉयल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर मूव करते हैं, जिसमें आपको इसी का सेकेंड है, ठीक है वही जो साइंस सिलेबस देख रहे हैं, अभी साइंस ही चल रहा है। एयर पढ़ने हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग पढ़ने हैं, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशंस हो गए, आवर इन्वायरमेंट, द यूनिवर्स, वर्क एंड एनर्जी, वाटर, साउंड ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, साउंड, रिप्रोडक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हैं साइंस का। नेक्स्ट, अभी और है क्या साइंस का, वो देख सकते हो आप एग्जैक्टली। तो हाँ, अभी साइंस के और पोर्शन बचे हुए हैं, इतना ही नहीं है, उसके बाद ये भी साइंस में पढ़ने हैं आपको, देख सकते हो। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइंस नहीं, अब सोशल साइंस पे आते हैं। साइंस का क्या हमने देखा था, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, जो आपने साइंस में देखा वो आपके पास टू स्लाइड्स थे। फर्स्ट जो था वो ये स्लाइड था, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, लाइफ प्रोसेस, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, फूड प्रोडक्शन, मेजरमेंट, मोशन फोर्स, सम ऑफ कॉमन डिजीज सॉइल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेटल नॉन मेटल। सेकेंड स्लाइड जो आपकी थी साइंस से रिलेटेड वो ये थी, ठीक है, और इसके बाद की जो कंडीशन है वो हम लोग आते हैं अब सोशल साइंस पे। तो भाई सोशल साइंस में क्या क्या है चैप्टर्स वो भी आप देख लो। 40 क्वेश्चंस वहां से हुआ और अब आपकी 40 क्वेश्चंस जो है यहां से आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस यहां सोशल साइंस से आने वाले हैं, जिसमें मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स होगा। तो इसके क्या चैप्टर्स हैं वो भी देख लो आप। एग्रीकल्चर, ब्रिटिश राज, डाइवर्सिटी एंड लेवलीहुड, 18th सेंचुरी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स, द दिल्ली सल्तनत, नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज, द ज्यूडिशियरी, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रहा सोशल साइंस का सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हो इसमें सोशल साइंस में और भी क्या है, तो ये भी आपको चैप्टर्स आपको कवर करने हैं सोशल साइंस में। एटमोस्फेयर, कल्चर साइंस एंड लिटरेचर, अर्ली मेडिवल पीरियड, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, द मुगल एम्पायर, वैदिक पीरियड, पॉपुलर मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स, मेडिवल मेडिवियल आर्किटेक्चर एंड कल्चर, आवर कंट्री इंडिया, सोलर सिस्टम एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सोशल साइंस एंड साइंस आपने देख लिया, 40 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे एंड 40 क्वेश्चन सोशल साइंस है। भाई एग्जैक्टली अगर मैं ये बताऊं तो अगर जो बंदा एनटीएससी स्टेज वन क्रैक करेगा, उसके बाद की जो उनकी जर्नी होगी एनटीएससी स्टेज टू के लिए, वो थोड़ा टफ लेवल का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे चैप्टर्स हैं।
जो फर्स्ट स्टेज था उसमें गिने चुने 2028 ही थे, ज्यादा चैप्टर्स नहीं थे, मैट का था। बट यहाँ पे जो सेट का सिलेबस उसमें काफी पोर्शन कवर करने हैं, तो अगर आप बिल्कुल ठान रखे हो कि मुझे एनटीएससी क्रैक करना है, मुझे स्कॉलरशिप लेना है, तो मैट के साथ साथ आप सेट की भी तैयारी करना ना छोड़ें, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में इतना ही नहीं, ये भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सोशल साइंस में, बायोस्फेयर हो गए, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस हो गए, अर्ली स्टेट्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडस्ट्रीज, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड कंकरर फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन, यूनियन गवर्नमेंट एंड द मोयराज, ये सारे, ठीक है। अब आप बातें आती है कि भाई आपने साइंस देख लिया, सोशल साइंस देख लिया, तो अब हम लोग की जो फेवरेट है मैथ सिलेबस, उसकी ओर मूव करते हैं। बट इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, ओनली 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं, अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो बिल्कुल बताऊंगा कि भाई आप साइंस एंड सोशल साइंस दोनों पे काफी वर्क करना पड़ेगा, 80% साइंस एंड सोशल साइंस एंड 20% ओनली मैथ। मैथ्स का चैप्टर्स देखो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, बेसिक ज्योमेट्री हो गए, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस हो गए, मेंसुरेशंस, प्लेइंग विथ नंबर्स, रेशनल नंबर, लिनियर इक्वेशंस, एरिथमेटिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनवर्स वेरिएशन, एक्सपोनेंट नंबर सिस्टम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टेटिस्टिक्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, एंड एक छोटा सा मैट की चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे मैं आपको बता दिया गाइस कि ये कंप्लीटली आखिर एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या कौन कौन से बॉडी कंडक्ट कराती है, क्या इसके सिलेबस हैं, कितने स्टेज में एग्जाम होते हैं, इनकी मार्किंग क्या होती है, वो मैं सारे के सारे बता दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। अब ये जो जर्नी है, बेसिक जर्नी जो था एनटीएससी के बारे में, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मूव करेंगे बहुत ही डेंजरस सीरीज एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एंजॉयमेंट सीरीज जो कि आपकी होगी, जो भी एनटीएससी स्टेज वन एंड टू में, बेसिकली अभी स्टेज टू की बात तो मैं नहीं करूंगा, स्टेज वन की बात करूंगा। स्टेज वन में जितने भी स्टेट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, मैं उन चैप्टर्स वाइज एंड जितने भी ईयर्स में पूछे गए हैं उनकी एक कंप्लीट सीरीज आपके सामने लाने वाला हूं, तो जस्ट उसका वेट करने। एंड गाइस वन मोर थिंग, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं कमेंट के थ्रू ही जान पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट सीरीज के साथ, ऑल ओवर इंडिया टूर। उस सीरीज का मैं नाम रखूंगा ऑल ओवर इंडिया टूर, क्योंकि इंडिया टूर मैं इसलिए बोलूंगा, बिहार स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, असम हो गए, हिमाचल हो गए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ये जो एनटीएससी है स्टेट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो सीरीज होगा वो ऑल ओवर इंडिया टूर, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।